हेलो व्यूअर्स, माय सेल्फ इज़ डॉक्टर नीता एंड यू आर वॉचिंग माय चैनल लर्न लिटरेचर विद डॉक्टर नीता। सो लेट अस बिगिन टुडेज टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, आज जानेंगे नैरेटिव टेक्निक्स में करेक्टराइजेशन के बारे में। नैरेटिव टेक्निक्स की एक सीरीज चल रही है और उस सीरीज़ में आप इससे पहले वीडियो में देख चुके हैं प्लॉट स्ट्रक्चर एज ए नैरेटिव टेक्निक, और आज जानेंगे करेक्टराइजेशन एज ए नैरेटिव टेक्निक। नैरेटिव टेक्निक्स, ये मैंने आपको बताया, पहले भी बताया पिछले वीडियो में, कि जनरल तरीके से 5 तरीके की और स्पेसिफिकली इन स्टाइल, फिर ये 5 काइंड्स की होती है, और हमने फर्स्ट और आज हम कर रहे हैं सेकंड करेक्टराइजेशन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी वुड डिस्कस अबाउट पॉइंट ऑफ व्यू एंड सेटिंग। नाउ करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन इज द फंडामेंटल नैरेटिव टेक्निक यूज्ड बाय द राइटर टू क्रिएट, पोर्ट्रे एंड डेवलप करेक्टर्स इन ए स्टोरी। आप सबने स्टोरी पढ़ी है, आप जानते हैं कि स्टोरी में करेक्टर्स कैसे होते हैं, और आपको पता है कि कुछ करेक्टर्स से आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हाँ भाई, ये बड़े अच्छे से करेक्टर्स हैं, अच्छे इन द सेंस कि आप उन्हें अपनी लाइफ में भी वैसे करेक्टर्स को पाते हैं। तो आखिर वो कौन सी आर्ट है जिसके ज़रिए कोई भी ऑथर इतने अच्छे करेक्टर्स प्रोड्यूस कर सकता है? तो करेक्टराइजेशन वही नैरेटिव टेक्निक है फंडामेंटल, जिसे राइटर्स यूज़ करते हैं किसके लिए, टू क्रिएट। वो नए नए करेक्टर्स क्रिएट करते हैं। दे पोर्ट्रे, इट मीन्स दे एक्सप्रेस अबाउट देयर क्वालिटीज़, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं, उन्हें पूरी तरीके से आपके सामने आउटवर्डली और इनवर्डली डिस्क्राइब करते हैं, एंड डिवेलप करेक्टर्स इन ए स्टोरी, और ग्रेजुअली उन्हें डिवेलप करते हैं। डिवेलप करने का मतलब है कि आप उनके बिहेवियर में, आप उनके एटीट्यूड में, आप उनके पर्सपेक्टिव में ग्रेजुअल चेंज देखते हैं, मतलब वो बेहतर और बेहतर और बेहतर होते जा रहे हैं। इस तरीके के करेक्टर्स को हम कहते हैं डेवलपिंग करेक्टर्स। करेक्टराइजेशन कन्वेज इंफॉर्मेशन अबाउट करेक्टर। करेक्टराइजेशन में क्या क्या होता है कि इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द करेक्टर, कि करेक्टर क्या है, कैसे, इंक्लूडिंग देयर फिजिकल अपीयरेंस, वो बाहरी रूप से कैसे दिखाई देते हैं, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी दे आर हैविंग, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उनकी सोच कैसी है, सिर्फ बाहर से कैसे दिखाई देते हैं नहीं, बल्कि उनकी सोच कैसी है, उनके विश्वास कैसे हैं, और उनकी रिलेशनशिप्स कैसी हैं, उनका उनके विचार कैसे हैं, सो दैट द रीडर में अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट विद देम। वो सारी बातें करेक्टराइजेशन में आ जाती हैं। अब ऑथर किस लिए इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है करेक्टराइजेशन में, ताकि रीडर जो हैं वो उन्हें अच्छे से समझ सकें एंड कनेक्ट विद देम, और उनसे जुड़ सकें एक डीपर लेवल पे। इफ़ेक्टिव करेक्टराइजेशन ब्रिंग्स करेक्टर टू लाइफ। कोई भी करेक्टराइजेशन इफ़ेक्टिव है उसे पता लगाना है, का मतलब है कि अगर इफ़ेक्टिव है तो वो करेक्टर्स को लाइफ जैसा दिखाता है, मतलब रियलिस्टिक करेक्टर का पोर्ट्रेयल होगा, जितना रियलिस्टिक है, जितने लाइफ लाइक हैं, मतलब मान लीजिए करेक्टराइजेशन की आर्ट उतनी ही इफ़ेक्टिव है, एंड मेक्स देम मोर बिलीवेबल। अगर इफ़ेक्टिव तरीके से करेक्टराइजेशन किया है, लाइफ लाइक करेक्टर्स प्रोड्यूस किए हैं, तो वो ज़्यादा बिलीवेबल होते हैं, मतलब उन्हें रीडर्स विश्वास करते हैं, रिलेटेबल मतलब उनसे अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, मेमोरेबल मीन्स वो याद में ज़्यादा रहते हैं, मतलब ज़्यादा देर तक दिमाग पे छाए रहते हैं, एंड ऑटोमेटिकली दे आर लवेबल टू द रीडर्स। आप लोगों ने देखा होगा, आप फिल्म देखने जाते हैं या कुछ भी है, कोई कोई करेक्टर ऐसा होता है जो आपके दिल को छू जाता है, क्यों, क्योंकि आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं। वेल क्राफ्टेड करेक्टराइजेशन एनहांसेस रीडर्स इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी। तो अगर करेक्टराइजेशन अच्छा किया जाएगा तो रीडर का इंटरेस्ट भी रहेगा स्टोरी में, और उसकी स्टोरी की समझ भी बढ़ जाएगी। इसलिए स्टोरी को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, नरेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए करेक्टराइजेशन भी एक टेक्निक के रूप में यूज़ किया जाता है। अब करेक्टराइजेशन कितने प्रकार का होता है? देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेक्टराइजेशन। मेनली देर आर टू टाइप्स ऑफ करेक्टराइजेशन। वन इज़ द डायरेक्ट करेक्टराइजेशन एंड अनदर इज़ द इनडायरेक्ट करेक्टराइजेशन। अब
आती है बात कि इन दोनों में अंतर क्या है। डायरेक्ट करेक्टराइजेशन में क्या होता है कि द टेक्निक इन्वॉल्व्स एक्सप्लिसिटली स्टेटिंग और डिस्क्राइबिंग द ट्रेट्स ऑफ ए करेक्टर, मतलब सीधे सीधे करेक्टर की क्वालिटीज़ बता दी जाती हैं। बताएगा कौन? बताएगा राइटर। राइटर ही बता देता है कि ये व्यक्ति है, इसका नाम ये है, ये ऐसे परिवार को बिलोंग करता है, ये डरपोक है या ये शक्तिशाली है। ये सीधे सीधे बातें ऑथर के द्वारा रीडर को बता दी जाती हैं, डायरेक्टली बता दी जाती हैं। इसलिए इस मेथड को कहते हैं डायरेक्ट करेक्टराइजेशन। दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट करेक्टराइजेशन। इसमें रीडर स्वयं समझता है कि ये करेक्टर की क्या क्वालिटीज़ हैं, राइटर डायरेक्ट नहीं बताता। अब रीडर कैसे समझता है, ये बात समझने के, रीडर को कैसे समझ आया कि इस व्यक्ति के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। देखिए, द क्वालिटीज़ ऑफ द करेक्टर्स आर रिवील्ड थ्रू देयर एक्शंस। रीडर उसके क्या देखता है? एक्शंस देखता है, स्टोरी में डायलॉग्स सुनता है, उसके उसके विचारों को देखता है और ये देखता है कि वो दूसरे करेक्टर से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। जब ये सारी चीज़ें रीडर नोटिस करता है तो रीडर को समझ में आ जाता है कि इस करेक्टर के अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। वो अच्छा है या बुरा है, इट डजेंट मैटर, लेकिन ये समझ में आ जाता है जब वो उस करेक्टर के बारे में उसके एक्शंस को देखते हैं, उसके डायलॉग्स को सुनते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, उसके विचारों को जानते हैं, तो उन्हें समझ में आ जाता है कि ये करेक्टर कैसा है। राइटर ने नहीं बताया, रीडर ने खुद समझा। तो इस तरीके के करेक्टराइजेशन को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट करेक्टराइजेशन। रीडर्स देमसेल्व्स फाइंड आउट दीज करेक्टरिस्टिक्स बाय ऑब्जर्विंग दीज इनडायरेक्ट क्यूज, मतलब इन क्लूज को देख के राइटर रीडर जो है वो खुद पता लगा लेता है कि करेक्टर कैसा है। तो डायरेक्ट करेक्टराइजेशन हुआ, राइटर ने खुद बता दिया कैसा है करेक्टर। इनडायरेक्ट करेक्टराइजेशन हुआ, रीडर ने समझा कि करेक्टर कैसा है। अब देखिए, इफेक्टिव करेक्टराइजेशन किसे कहते हैं, नंबर एक ये बात। अब इफेक्टिव करेक्टराइजेशन के लिए ऑथर किन किन चीज़ों का ध्यान रखता है? कई बार एग्ज़ाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑथर की आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन के बारे में बताइए। तो आप उसकी आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन जब तो समझ पाओगे जब आपको ये पता हो कि करेक्टराइजेशन में कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। फिर आप एनालाइज करेंगे अपनी स्टोरी में कि आपकी स्टोरी में उन टेक्निक्स का कितना अच्छा या बुरा यूज़ किया गया है। सो टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव करेक्टराइजेशन राइटर के लिए ज़रूरी है और रीडर के लिए इसलिए ज़रूरी है कि रीडर ये समझ पाए कि उसने करेक्टराइजेशन की टेक्निक्स का इफ़ेक्टिव यूज़ किया है या नहीं किया है। तो देखिए, फॉर इफेक्टिव करेक्टराइजेशन ऑथर हाईलाइट्स द फॉलोइंग एरियाज। नंबर वन, अपीयरेंस। अपीयरेंस कहते हैं बाहर से दिखाई कैसा देता है करेक्टर। द राइटर डिस्क्राइब्स फिजिकल एट्रीब्यूट्स, राइटर डिस्क्राइब करता है उसकी फिजिकल क्वालिटीज़ को। चॉइस ऑफ क्लोदिंग ऑफ करेक्टर्स, वो बताता है कि करेक्टर्स कैसे कपड़े पहने हुए हैं। एज दीज कुड ईजीली प्रोजेक्ट करेक्टर्स पर्सनैलिटी, और आप उनकी क्वालिटीज़ और कपड़ों को देख के आसानी से समझ जाते हैं कि करेक्टर की पर्सनैलिटी कैसी है, वो किस ऑक्यूपेशन का है और उसका सोशल स्टेटस क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देख रहे हैं कि वो सिंपल कपड़े पहने हुए, हाथ में बुक पकड़े हुए, आँख पे चश्मा लगा हुआ है, तो आप अंदाज लगा लेंगे कि इसका ऑक्यूपेशन पढ़ने लिखने से ही संबंधित होगा कोई। आप पर्सनैलिटी से भी अंदाज लगा लेंगे। तो सबसे मतलब इफ़ेक्टिव करेक्टराइजेशन में किसी की पर्सनैलिटी कैसी है, वो अपीयर कैसा होता है, ये चीज़ भी बड़ी इफ़ेक्टिव मानी जाती है जब हम करेक्टराइजेशन करते हैं। तो जब आप कभी अपने किसी भी ऑथर की आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन देखें तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि उसने उन करेक्टर्स को के अपीयरेंस को किस तरीके से प्रोजेक्ट किया है। नंबर टू इज डायलॉग्स, टू रिवील द पर्सनालिटीज, एजुकेशन लेवल, बैकग्राउंड एंड इमोशनल स्टेट ऑफ करेक्टर्स। द ऑथर पुट्स स्पेसिफिक लैंग्वेज इन द स्टेटमेंट यूज ड्यूरिंग डायलॉग्स ऑफ ईच ऑफ द करेक्टर्स। देखिए, डायलॉग कहानी जो होती है, स्टोरी है, वो नरेशन है, उसमें डायलॉग नहीं होने चाहिए, लेकिन
स्टोरी में डायलॉग्स यूज़ किए जाते हैं। राइटर खुद कहानी बता रहा है, धीमे से वो बताता है कि ये वाला करेक्टर ये बोल रहा है, शब्द बता देता है उसके कि उसने ये वाली बात कही, ये डायलॉग बोला। आपने कई बार देखा होगा कहानी पढ़ते पढ़ते आपके उसमें बीच में करेक्टर्स के डायलॉग्स आ जाते हैं। तो डायलॉग्स जो हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, वो भी उससे भी राइटर रीडर को समझ में आता है कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी है। क्या डायलॉग बोल रहे हैं उससे समझ में आ जाता है, जो भाषा यूज़ कर रहे हैं उससे समझ में आ जाता है कि ये एजुकेशनल लेवल इनका कैसा है, ये पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं हैं। मान लीजिए कोई करेक्टर गाली यूज़ कर रहा है तो इंडिकेट हो जाएगा कि ये एक एजुकेटेड क्लास का व्यक्ति नहीं है। उसकी बैकग्राउंड पता लग जाती है, उसका सोशल स्टेटस पता लग जाता है। अब अगर के कोई व्यक्ति आंसू भर के आँखों में बोल रहा है तो उससे आपको उसकी इमोशनल स्टेट भी समझ में आ जाती है। तो डायलॉग्स की बड़ी सिग्निफिकेंस है आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन में, और डायलॉग एक टेक्निक की तरह यूज होते हैं ताकि रीडर को उन डायलॉग्स के जरिए करेक्टर्स की पर्सनालिटी अच्छे से समझ में आ जाए। टू एक्सप्रेस टिमिडिटी ऑफ ए करेक्टर, अगर एक करेक्टर के का टिमिडिटी कहते हैं डरपोकपन, शर्मीलापन आप एक तरीके से समझ लीजिए, वो टिमिड है, थोड़ा शर्मीला सा डरा डरा सा करेक्टर है, तो फिर उसके लिए कैसी भाषा का उपयोग होगा। राइटर जो है उससे बुलवाता है थोड़ी हेजिटेंट लैंग्वेज में हिचक हिचक के बोलता है, उससे समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति थोड़ा शर्मीला है, नर्वस है, बोल नहीं पा रहा है। इसी तरीके से दूसरी तरह कोई बहुत बोल्ड तरीके से बोल रहा है तो उससे अंदाज लग जाता है कि इस व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, इसकी नॉलेज बहुत अच्छी है। तो कहने का मतलब डायलॉग और डायलॉग कहने का स्टाइल, ये दोनों चीज़ें इंडिकेट कर देती हैं कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है। थर्ड थिंग इज़ एक्शन। देखिए वही वाली बात कि स्टोरी नरेशन है, स्टोरी में एक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एक्शन स्टोरी में दिखाया जाता है एज ए टेक्निक ऑफ कैरेक्टराइजेशन। अगर एक्शन होगा तो समझ आएगा कि करेक्टर कैसा है। अब एक्शन कैसा दिखाते हैं, बाय फीचरिंग द वेज इन विच डिफरेंट करेक्टर्स एक्ट एंड रिएक्ट इन वेरियस सिचुएशंस। तो भिन्न भिन्न प्रकार की सिचुएशंस दिखाई जाती हैं कहानी में, और फिर दिखाया जाता है कि उन सिचुएशंस में जो करेक्टर्स हैं वो कैसे एक्ट कर रहे हैं। रीडर ये बात नोटिस करता है कि ये समस्या आई, ये सिचुएशन आई, तो करेक्टर्स ने कैसे एक्ट और रिएक्ट किया। अब जैसे भी उन्होंने एक्ट और रिएक्ट किया, रीडर्स को तुरंत समझ में आ जाता है कि इनकी वैल्यूज़ ऐसी हैं, इनके बिलीव्स ऐसे हैं, और इसके जरिए, इस एक्शन के जरिए ऑथर जो है वो करेक्टर की ट्रू नेचर के बारे में रीडर को अच्छे से बता पाता है। सारी बातें खुद तो राइटर कहेगा नहीं, कुछ रीडर को भी समझ आती हैं चीज़ें। कि फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है और वो घर से काम के लिए बाहर निकल रहा है, बिल्ली रास्ता काट जाती है, अब वो काम करने नहीं जा रहा, इसका मतलब कि वो सुपरस्टिशन में विश्वास करता है। राइटर ने नहीं कही ये वाली बात, ये रीडर ने ऑटोमेटिकली खुद समझ ली कि उसके बिलीफ्स कैसे हैं, इसी तरीके से उसकी वैल्यूज़ कैसी हैं। अगर मान लीजिए उसे मौका मिला और रिश्वत नहीं ली, तो मानेंगे आप निश्चित रूप से कि ये हाई वैल्यूज़ वाला आदमी है। मौका मिलते ही रिश्वत ले ली, आपको समझ में आ जाएगी कि ये लो वैल्यूज़ वाला व्यक्ति है। तो ऐसे एक्शंस दिखाए जाते हैं स्टोरी में एज ए टेक्निक, जिससे कि आपको कैरेक्टर की ट्रू नेचर समझ में आ जाए। द वे करेक्टर्स इंटरेक्ट विद अदर इंडिविजुअल। स्टोरी में एक करेक्टर तो होता नहीं, बहुत सारे करेक्टर होते हैं, तो करेक्टर एक दूसरे से कैसे बातचीत कर रहे हैं वो बताती है कि इनकी सोशल स्किल्स कैसी हैं और इनकी सोशल बैकग्राउंड कैसी है। अगर वो एब्यूजिव लैंग्वेज का, गाली वाली भाषा का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से वो एक पढ़े लिखे समाज को व्यक्त नहीं करते। अब ये वाली बातें तो हैं, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी नेचर, उनके विचार जानने के लिए क्या क्या यूज़ किया गया, डायलॉग्स यूज़ किए गए, एक्शंस यूज़ किए गए, पर्सनैलिटी के बारे में खुद बताया गया। अब उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है ये जानने के लिए भी टेक्निक यूज़ करते हैं ऑथर्स, एंड दिस इज़ द टेक्निक ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग। इंटीरियर मोनोलॉग मीन्स ऑथर कैरेक्टर स्वयं से बातचीत कर रहा है,
और उस बातचीत में दूसरा कोई करेक्टर भी शामिल नहीं है, तो इस तरीके से जो वो बैठा है शांति से और वो बैठ के बातचीत कर रहा है और के मतलब स्वयं मन मन में सोच रहा है, कई बार आपने देखा होगा कि वो ये मान लेता है कि सामने कोई है और वो उससे बातचीत करता है, इस तरीके की टेक्निक्स जब बैठा कोई नहीं होता है लेकिन कैसे दिखाएं मन में क्या चल रहा है, तो ये टेक्निक इंटीरियर मोनोलॉग की यूज़ की जाती है करेक्टर्स के हिडन फियर्स और डिज़ायर्स को दिखाने के लिए। रिएक्शंस टू द कन्फ्लिक्ट, अब करेक्टर आपका कितना ताकतवर है या वीक है वो कहाँ से पता लगेगा, तो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन प्रस्तुत कर देते हैं ऑथर्स, मतलब क्रिटिकल सिचुएशंस आ जाती हैं स्टोरी में। अब उस डिफरेंट करेक्टर्स हैं, वो करेक्टर उन सिचुएशंस के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उन कन्फ्लिक्ट्स के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये वाली बात रीडर को समझ में आ जाती है। अगर वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को इंटीग्रेटेड रख पा रहे हैं, अपने आप को संयमित रख पा रहे हैं, तो इसका मतलब उनके अंदर स्ट्रेंथ है। और अगर वो सिचुएशन को, डिफ़िकल्ट सिचुएशन को देख के उसे छोड़ के ही भागे जा रहे हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि वीकनेस है। तो जैसी सिचुएशंस हैं और उनके जो रिएक्शंस हैं उनके प्रति, उनसे आपको करेक्टर की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता लग जाती हैं। मान लीजिए कोई सत्यवादी करेक्टर है, अब उसके सत्य को कोई मान ही नहीं रहा, सत्य वो कह रहे हैं कि नहीं ये झूठ है, ये झूठ है, लेकिन अगर वो डटा रहता है, प्रूव करके दिखाता है, तो इसका मतलब उसकी विल पावर बहुत अच्छी सी है, उसकी असर्टिवनेस बहुत अच्छी है और ये उसके करेक्टर की स्ट्रेंथ है। और अगर वो झुक गया तो मतलब वो इतना असर्टिव नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं उन सिचुएशंस के जरिए, जो सिचुएशंस ऑथर उस स्टोरी में डालता है और जिन सिचुएशंस के प्रति करेक्टर्स उनसे रिएक्ट करते रहते हैं। येट अनदर डिवाइस और द टेक्निक इज बैक स्टोरी। बैक स्टोरी, जैसे बैक नाम से ही पता लग रहा है, पीछे की कहानी, यानी जो कुछ पहले घटित हो चुका है। तो देखिए, जो आज है कोई भी करेक्टर, मान लीजिए 20 साल का है, 25 साल का है, 40 साल का है, तो आज जो भी उसकी पर्सनैलिटी है वो आज नहीं बनी है, उसकी पर्सनैलिटी बेस्ड है किस पे, जो उसका पास्ट था। तो इसलिए कई बार पास्ट की जो सिग्निफिकेंट घटनाएं होती हैं जिनका प्रभाव प्रेजेंट पे भी पड़ता है, ऑथर्स उन घटनाओं को क्या करते हैं, बीच बीच में स्टोरी में दिखाते रहते हैं एज ए टेक्निक, ताकि आप लॉजिकली समझ पाओ, ताकि रीडर लॉजिकली समझ ले कि आखिर ये करेक्टर आज ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी ने किसी के साथ धोखा हुआ है, अब वो हर व्यक्ति से डरने लगा कि कहीं ये धोखा ना कर दे, ये धोखा। अब आपको आज की सिचुएशन दिखाई कि एक करेक्टर है और वो लोगों से डरता है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई क्यों डर रहा है, इसमें अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब ऑथर आपको बैक स्टोरी बताता है कि इसके साथ एक बार धोखा हो चुका है और उससे ये बहुत डर गया, तो आपको समझ में आता है कि अच्छा ये इसलिए डर रहा है। तो बैक स्टोरी भी एक वो डिवाइस है जिससे आपको कैरेक्टर के पास्ट के बारे में पता लगता है और आपको समझ में आता है कि प्रेजेंट में जो वो एक्शन कर रहा है वो उसके किस पास्ट एक्शन पे बेस्ड है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको किसी भी स्टोरी में आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन समझते समय नोटिस करनी चाहिए और समझना चाहिए कि पर्टिकुलर व्यक्ति और पर्टिकुलर ऑथर का आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन क्या है। स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव करेक्टराइजेशन जो है, इट मेक्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी बेटर, कहानी की समझ को बढ़ा देते हैं स्ट्रॉन्ग करेक्टराइजेशन। सो दिस इज all about characterization. So thanks for patience listening. In the next video I would describe about other narrative techniques.